अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बाद दो नंबर के मंत्री बनेंगे। ये बात पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने शिवपुरी में प्रचार प्रसार के दौरान कही। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी के बाद दो नंबर के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे। देश में गांधी नेहरू परिवार का चार पीढ़ियों का संबंध है और यहाँ तो सिंधिया परिवार का आपसे पांच पीढ़ियों का संबंध है। और मैं यहाँ एक विनती करने आया हूं, इस बार अगर सिंधिया साहब जीते तो मैं आपको ये लिख के दे देता हूं कि राहुल जी के बाद नंबर दो पे मंत्री ये होंगे लंबी लाइट वाले। ठोको ठोको ताली ठोको और जोर से ठोको ठोको ठोको। महाराज सिंधिया जिंदाबाद। राहुल जी का चार पीढ़ियों का विश्वास है, वही कपूर खानदान का है और यहां गुरु पांच पीढ़ियों का विश्वास है। ठोको ताली। ये विश्वास कोई कमल का फूल नहीं है जो धूप में कुमला जाएगा, ये तूफानों में तुम्हारी नैया खेगा। ये वो अटूट आत्मविश्वास है जो इस जगह को पांच साल में 50 साल का विकास देगा। वहीं सिद्धू ने लोगों से इस चुनाव में सिंधिया के लिए छक्के लगाने की बात कही। सिद्धू ने कहा कि मैं जब जवान था तो बाउंड्री पार छक्का मारता था, ऐसा छक्का मारो मध्य प्रदेश वालों कि मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पार हो जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी माइक थामा और क्षेत्र में अपने विकास कार्य गिनाए। इस दौरान सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटी अनन्या राजे सिंधिया भी मंच पर मौजूद रही। मोदी को गिराना बड़ा जरूरी है, मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तीन मोदी भाग गए और चौथा बोल रहा झूठ। मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ, एक और विनती करना। देखो जब मैं जवान था ना, अब तो नहीं पर अब भी, तो मैं छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार, ऐसा छक्का मारो मध्य प्रदेश वालों के मोदी को हिंदुस्तान की बाउंड्री पार मारो। मैंने आपको कहा था मणिखेड़ा की योजना मैं लेके आया हूं, 11 साल शिवराज जी ने इसे लागू नहीं होने दिया, मुझे 6 महीने देना, मैं हर नलकी में पानी में पहुंचाऊंगा। तो चाहे कॉलेज हो, चाहे पानी हो, चाहे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 6 लेन का नेशनल हाईवे 3,900 करोड़ का हो, मेरी शरीर मेरा खून का एक एक कतरा, मेरा पसीना का एक एक बूंद मेरे शिवपुरी की नगर के वासियों के लिए समर्पित है मेरे भाई और बहनों। बताने की सभा से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलकर लोगों का दिल जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, शिवपुरी।